दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। दोस्तों, आज मैं किचन की थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आज हमने किचन बनाया है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूँ, चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज ये हमने ये डबल मोल्डिंग का सिंपल सा एक किचन बनाया है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये इसमें पर्दे की इसकी सिंपल सी डिजाइन है और इसमें वो डिजाइन पट्टी डाली हुई है कातरे की। तो इस कातरे की पट्टी का बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं मेरे पास कि सर ये हमें बताइए कि ये कातरा पट्टी आप कैसे काटते हैं। तो इसका मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो बना के दूंगा। ये डबल मोल्डिंग है और नीचे से ये 3 इंची की पट्टी चिपका के और उसके बाद में ये डबल मोल्डिंग पट्टी हमने लगाई है। ये देखिए सिंपल है, क्योंकि ये बिल्डरशिप का काम था तो उसके हिसाब से ये काम हुआ है। और ये पर्दे के पत्थर को अभी दोस्तों पॉलिश बाकी है, ये मैंने पानी मारा था आपको दिखाने के लिए, लेकिन अभी ये धीरे धीरे सूख रहा है। और ये पट्टी को ज़रूर पॉलिश किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इस टाइप ये दिखती है। और ये 16-18 का ये बेसिंग है और 8 इंच इसकी डीप है। और ये इसकी खिड़की है, वो भी डबल मोल्डिंग की है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इससे क्या, दोनों एक ही टाइप की मोल्डिंग रहेगी तो टाइल लगने के बाद में ये थोड़ा काम उठ के दिखता है। और ऊपर हम ये 4 इंची की पट्टी लगाते हैं ताकि थोड़ा किचन को लुक आए, मतलब एक बॉक्स टाइप सा दिख किचन दिखे। और नीचे सिंपली कड़ाफे इसके लिए जो स्टैंड खड़ा करते हैं वो हम इस साइड, यहाँ पे कड़ाफा यूज़ होता है, मार्बल यूज नहीं होता है, तो 1 पीस में ही काम हो जाता है। मार्बल को 2 पीस में चिपका के यूज में लेना पड़ता है और प्लस वो महंगा भी आता है। तो इस कड़ापे से महंगा आता है, कहने का मतलब वो दोनों पत्थरों को चिपकाएंगे आप तो, यदि आप 25 रुपये स्क्वायर फीट का मार्बल भी लेंगे तो वो 50 रुपये इस स्क्वायर फीट में आपको पड़ जाता है। और ये कड़ापा है, ये लगभग 28-30 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर आता है, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और मजबूत भी रहता है, सिंगल पीस रहता है। तो इसके हिसाब से इस साइड यहाँ पे यही चलता है। ये भी दोस्तों आंध्रा से ही आता है। तो एक छोटा सा वीडियो था, ये देखिए पर्दे की डिजाइन इस टाइप लगती है। तो पहले क्या होता था कि ऐसे राउंड देके पर्दे की डिजाइन काटते थे, हालांकि वो ओल्ड डिजाइन हो गई है। अभी ये सिंपल अच्छी दिखती है और किचन ज़्यादा ऐसा, क्योंकि छोटे किचन में हमेशा ऐसे सिंपल डिजाइन रखेंगे तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि अदरवाइज ये जैसे ये किचन छोटा है और ये पर्दे की हाइट अपन और हाइट करेंगे, क्योंकि ये जो पर्दे की हाइट है वो 48 इंच है, नीचे से आप देखेंगे तो ये टोटल 48 इंच है और ये ऊपर 16 इंची का एक पत्थर इसको अपोजिट चिपका के और मोल्डिंग किया हुआ है। ये वो डिजाइन यदि आप गोल वाली काटेंगे तो उसके लिए आपको 54 इंच का पत्थर लगता है। तो 54 इंच का पत्थर लगाएंगे तो किचन ऐसा देखने के अंदर थोड़ा ऐसा दबा हुआ लगता है, क्योंकि पर्दे की हाइट किचन से ज़्यादा हो जाती है, तो किचन ऐसा छोटा सा लगता है, एकदम छोटा लगता है, प्लस ऐसा अंधेरे टाइप हो जाता है, हवा भी नहीं लगती है। तो ये छोटे किचन में सिंपल यही मेरे हिसाब से ये डिजाइन होनी चाहिए। और हाँ, बड़े यदि आपका किचन बड़ा हो तो आप उसमें कर सकते हैं वैसा भी। तो ये था दोस्तों किचन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर।